की मांग थी कि वहाँ एक चीनी मिल लगे और चीनी मिल अगर नहीं लग पा रही है। नमस्कार, मैं हूँ गुलशन कुमार और आप मगध टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। और आज नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज कार्यक्रम था। ककोलत जलप्रपात का जो है लोकार्पण एक तरफ थी, दूसरी तरफ सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन था। वारसालीगंज से सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन था। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज नवादा के लाल युवा नेता और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश सचिव, उनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, पहले तो स्वागत है मगध टाइम्स में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दो कार्यक्रम था, एक ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे, दूसरी तरफ सीमेंट फैक्ट्री वारसालीगंज का उद्घाटन था। दोनों कार्यक्रमों को किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, नवादा के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि नवादा के लोगों की लंबे समय से एक इच्छा थी कि नवादा के पास एक इतना खूबसूरत प्राकृतिक एक पर्यटन के लिए एक जगह था ककोलत, जिसका विकास लंबे समय से कहीं ना कहीं वो विकास से महरूम था और उसकी अनदेखी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ककोलत के विकास से नवादा के पर्यटन को एक बल मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पर्यटन जब बढ़ता है तो लोगों की आय भी उसके साथ बढ़ती है, समानांतर रूप से बढ़ती है। और जहाँ तक बात है वारसालीगंज में जो सीमेंट की ग्राइंडिंग यूनिट लगाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत सकारात्मक प्रभाव क्षेत्र पर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि मैं लगातार लोगों से मिलता हूं, क्योंकि हम लोग जमीन पर रहते हैं। हाँ। लोगों से मिलना जुलना हम लोगों का लगा हुआ रहता है। हाँ। दर्जनों गांव के किसानों से बात होते रहती है, उस क्षेत्र के भी किसानों से बात होते रहती है। कहीं ना कहीं लोग निराश हैं। लोगों की चाह थी, क्योंकि वहां पहले चीनी मिल होता था और उस क्षेत्र के और पूरे जिले के किसानों के जीविका का एक बड़ा जरिया होता था चीनी में, जरिया होता था चीनी में। तो लोगों की मांग थी कि वहाँ एक चीनी मिल लगे और चीनी मिल अगर नहीं लग पा रही, कोई अड़चन के कारण अगर चीनी मिल नहीं लग पा रहा, तो कोई दूसरा फूड प्रोसेसिंग प्लांट वहां पर लगाया जाए, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके, मजदूरों को लाभ मिल सके, खासकर नवादा के लोगों को, लोगों को लाभ मिल सके, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री के लगने से बहुत सीमित लोगों को उसका लाभ मिलेगा, बाहरी लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों का लाभ उस बहुत कम अंश में वहां पर मिलने जा रहा है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पर एक बार पुनर्विचार करें। मैं एनडीए के एक कार्यकर्ता होने के नाते, घटक दल का एक नेता होने के नाते, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सिपाही होने के नाते और शुभचिंतक होने के नाते, मैं उनसे मांग करूंगा इस पर पुनर्विचार करिए, क्योंकि जो काम का कोई सकारात्मक पहल ना हो, जिस काम से कोई सकारात्मक संदेश लोगों के बीच में ना जाए, मुझे लगता है सरकार को और पार्टी को और घटक दल और गठबंधन को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पुनर्विचार का गुंजाइश है? हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते तो आग्रह ही कर सकते हैं। अडानी के हाथों में मोदी सरकार है, विपक्ष कहती है, हम ना कहते। देखिए, ये निराधार बातें हैं। विपक्ष क्या कहते, विपक्ष के पास अभी मुद्दे की कमी है। राहुल गांधी रोज सुबह शाम जगकर अडानी अंबानी का नाम लेने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। मैं तो राहुल गांधी जी को कहूंगा कि जितनी बार आप अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, अगर भगवान का उतना बार नाम ले तो शायद कुछ कल्याण हो जाए। तो क्या लगता है अभिषेक जी, गुंजाइश होगी? अब बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है मामला। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग जनता के नेता, जनता लगातार लंबे समय से इन लोगों पर भरोसा करते आ रही है, तो ये जनता की आवाज को सुनेंगे। और हम जैसे कार्यकर्ता का ये दायित्व और धर्म बनता है कि जनता के नब्ज को टटोल कर जनता की आवाज को उन तक पहुंचाए। आप ही के तो अलायंस के जो नेता हैं जी, है ना, वो एक तरफ जो है उस चीनी मिल को समर्थन कर रही है, कह रही है कि एक उद्योग का जरिया तो बना है, उद्योग कंपनी तो लगा है, मजदूरों को जो है पलायन से रोका जाएगा, इस प्रकार के वो किस कौन से आप ही के नेता, आप ही के दल के नेता जो हैं जी, चूंकि एनओसी में जो है नेताओं का ही बिना सहयोग का एनओसी नहीं मिलता है। मेरा कहना है तो फिर वारसालीगंज बाजार बंद क्यों रहा? अगर जनता इस फैसले के साथ है, हाँ।
तो फिर बारसलीगंज बाजार के लोग स्वेच्छा से बारसलीगंज बंद पर क्यों गए? एक बड़ा सवाल है और सरकार को इन चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है। सरकार का ये दायित्व बनता है कि जनता को सर्वोपरि सबसे ऊपर रख कर बाकी चीजों को पीछे रख कर काम करना चाहिए। सीमेंट फैक्ट्री से कितना लोगों तक जो है वो पहुंच पाएगा लाभ? देखिए बहुत सीमित लाभ उसका है। सीमेंट फैक्ट्री में इंजीनियर्स बाहर से आएंगे, सीमेंट फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर होंगे वो बाहर से आएंगे, सीमेंट फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ जो गार्ड भी होंगे, सीमेंट फैक्ट्री अडानी जी यहाँ छटनी करेंगे और यहाँ प्लेसमेंट तो देंगे नहीं गार्ड का, वो SIS और इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करेंगे और वो लोग मधुबनी से, छपरा से, यूपी से, पंजाब से गार्ड ला कर यहाँ देंगे। तो इसका बहुत सीमित लाभ जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। अगर यहाँ चीनी मिल लगता तो प्रत्यक्ष रूप से तो लोगों को लाभ मिलता ही मिलता, या कोई भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट किसानों को लाभ मिलता। किसान गन्ना उपजाते, चीनी मिल में बेचते, चिप्स की फैक्ट्री लगती, किसान आलू उपजाते, चिप्स की फैक्ट्री में जाकर बेचते, तो इससे पूरे क्षेत्र को लाभ मिलता। क्योंकि बिल्कुल यहाँ के नवादा के अधिकांश परिवार कृषि से जुड़े हुए हैं, लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती का काम करते हैं, सबकी जीविका इससे चल रही है, तो कृषि आधारित कोई प्लांट लगना चाहिए। बिल्कुल, जनता का मांग था कि सीमेंट फैक्ट्री लग रही है तो कहीं कहीं शहरों से, गांवों से दूर साइड में लगाया जाता, ताकि उसका जो है प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो आम लोगों, आम जनमानस पर नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल इस बात में सच्चाई है, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री जब लगेगी वहाँ ग्राइंडिंग यूनिट लग रहा है, तो जब सीमेंट ग्राइंड होगा तो धूल तो उड़ेगा ही, धूल उड़ेगा तो बारसलीगंज एक व्यस्त बाजार है। बारसलीगंज उस क्षेत्र का एक बड़ा बाजार है, सैकड़ों गांव के लोग बारसलीगंज से जुड़े हुए हैं, हजारों लोगों की दुकानें बारसलीगंज में चलती है और सबकी जीविका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस बाजार से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ये बारसलीगंज बाजार के लिए शुभ नहीं है वहाँ सीमेंट का प्लांट लगना। तो सरकार के जो तंत्र होते हैं, तंत्र को भी तो कम से कम ये सब का मुआयना करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोट पर क्या असर पड़ेगा। ये तो सरकार का सिस्टम को दिखना चाहिए। अब ये तो आपका कहना आपका कहना बिल्कुल सही, और मैं जिस पार्टी से आता हूँ, मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर से आता हूँ, और हमारे जो नेता है आदरणीय जीतन राम मांझी जी, हमारे नेता का कहना है कि जब सरकार बहरी हो जाए तो धमाका बड़ा करो, ताकि इस सरकार के कानों तक आवाज जाए। आपको याद होगा और आप लोग देखते भी होंगे, आप पत्रकार के बहुत पत्रकारिता में आपका एक लंबा समय बीता है, आप देखते होंगे कि शराबबंदी का हमारे नेता कितना पुरजोर विरोध करते हैं सत्ता में साझेदार रहते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शराबबंदी का क्या नुकसान गरीबों को हो रहा है, और हम गरीब की बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए गरीब, किसान, मजदूर, स्थानीय लोग ये प्राथमिकता है। अडानी, अंबानी हमारे लिए प्राथमिकता में है नहीं है, तो हम लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार जहां गलती करेगी तो सरकार के कानों तक जनता की आवाज को पहुंचाने का काम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर करते रही है, करते रहेगी।